जी हाँ, दिस इज नमस्ते रेडियो। हम आते हैं हर सैटरडे सुबह 10 बजे ऑन 99.5 FM, एंड यू कैन वॉच अस लाइव और स्टूडियो की सारी मस्ती ऑन नमस्ते रेडियोज फेसबुक पेज। और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक है यू नो मेंटल हेल्थ, एक है फिजिकल हेल्थ, जिसके बारे में हम पिछले एक महीने से काफ़ी बार बात कर रहे हैं। एंड टुडे वी विल बी टॉकिंग टू समवन अबाउट दिस फिजिकल हेल्थ लीडिंग टू मेंटल हेल्थ, बिकॉज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है हम सब के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। इट इज़ अपकमिंग इन जून। तो हम बात करते हैं अभी मिस्टर शेखर अग्रवाल से। शेखर जी इज द प्रेजिडेंट एंड ट्रस्टी ऑफ पतंजलि योगपीठ, ऑल्सो नोन एज द पतंजलि वेलनेस सेंटर, विच इज फाउंडेड बाई योग ऋषि स्वामी रामदेव। पतंजलि योगपीठ इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो आज हमारे साथ आ चुके हैं और जुड़ चुके हैं मिस्टर शेखर अग्रवाल। गुड मॉर्निंग शेखर जी, नमस्ते। यस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम वंशिका जी, आपके सभी नमस्ते रेडियो के सुनने वालों को मेरी नमस्ते। थैंक यू सो मच, आपने आज टाइम निकाला और हमारे साथ इस बहुत ही इम्पोर्टेंट यू नो टॉपिक पे आज आप बात करेंगे, सो वी आर वेरी ऑनर्ड सर। थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू मेक एवरीबॉडी अवेयर ऑफ दिस अपकमिंग इवेंट। Absolutely. Yes. तो सबसे पहले तो शेखर जी आप हमें बताइए अबाउट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, हाउ इट वाज कंसेप्चुलाइज्ड, द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट बेसिकली। यू नो वंशिका जी, आई मीन योगा इज गिवन टू अस और द होल वर्ल्ड बाय द इंडियन सेजेस। जी, इट इज अ साइंस ऑफ हेल्थ, हार्मनी, पीस एंड हैप्पीनेस। जी, एंड सो वी वांट टू ब्रिंग दिस wonderful science, ancient science, to the West or to the whole world. And really, this is the mantra for the world peace. Ji. And our Honorable Prime Minister Modi ji in 2015 brought up this to the UNO, and majority, 100, like I said, 190 countries have adopted this June 21st to be the International Day of Yoga, and they are promoting it and they are celebrating it. So nothing could be so popular or so acceptable to the world but this yoga science. So we are so happy that people see, everybody see the importance of it, and here we are, seventh year, ready to celebrate again here. Absolutely, and I have actually personally, मैं बताना चाहूँगी, मैंने खुद ये event हर साल अटेंड किया है, और इतना सुंदर you know एक view होता है जब इतने सारे लोग, different countries के, different religion के, you know कोई भेदभाव नहीं, सब साथ में मिलके जब योगा करते हैं तो बहुत ही सुंदर एक view होता है, you know एक जब कोई बाहर खड़ा हुआ है देख रहा है तो बहुत ही अच्छा होता है। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस इवेंट, क्योंकि एक दिस इज एन इवेंट ऑफ यू नो फॉर हेल्थ, बट एट द सेम टाइम आई लुक एट इट एज अ इवेंट फॉर यूनिटी फॉर श्योर। सो इस साल इट इज नॉट, यू नो इट इज बियॉन्ड सेक्टिज्म, इट इज अ साइंस, इट इज अ हेल्थ, इट इज अ हैप्पीनेस, एंड वी ऑल आर लुकिंग फॉर इट, एंड योगा गिव्स द रिगार्डलेस यू आर अ हिंदू, यू आर अ मुस्लिम, यू आर क्रिश्चियन, no matter, it is a science. Science is a science, and we all benefit from it. Absolutely. Yes, please, go ahead. And इस साल शेखर जी प्लीज बताइएगा कब और कहाँ हो रहा है ये इवेंट? जी, you know, I know last year we had a virtual because of the COVID. Now with the vaccine, the things has opened up in United States. Mm-hmm. And keeping that in mind, we are doing 2 in-person programs. Mm-hmm. On Sunday, June 20th, we are doing at the Buffalo Biopark. I was there 3 days ago. It's a beautiful, beautiful venue. Bilkul. It is located at 105 Sabine Street, Houston. And our timings are 6 p.m. to 8 p.m. evening hours, which is on Sunday. Mm-hmm. And it's really a greatest venue I have seen. So
I asked everybody to come join, and everybody is joining. It's a mainstream, you know, everybody will be there. So that's on Sunday. And same thing on Monday, same time, I mean. June 21st. We are having another one on June 21st. India House, you know, mm-hmm. who is not familiar with India House? Absolutely. And your dad and my favorite, Vipinji, is there. You know, yes. And India House, again, same timing, 6 to 8, keep it simple. Mm-hmm. And the address is 8888, 8888 West Belford Avenue, Houston. So be there. And we do going to cover both events by Facebook Live, India in Houston for the consulate website. And for the India House, it will be covered through consulate Facebook page as well as India House Facebook page. So we have two wonderful venues, mm-hmm. and they are very centrally located, both of them. And I invite everybody to come join. I hope majority of your listeners would join both of us. Absolutely. And we expect, you know, thousand people at both events. एब्सोल्युटली मैं भी सारे लिसनर्स को जो हमें फेसबुक लाइव पे भी देख रहे हैं हमने इसका फ्लायर नमस्ते रेडियो के फेसबुक पेज पे भी शेयर किया है और हम करते रहेंगे आपको रिमाइंड करते हुए जून 20 तक 21 से पहले ज़रूर ज़रूर अटेंड करिए और सारी डिटेल्स शेखर जी ने दी हैं लेकिन आप फिर से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप www.yogadayoftexas.org पे भी जा सकते हैं शेखर जी लास्ट ईयर जब हमने अटेंड किया था ऑफकोर्स वर्चुअल था और खुद स्वामी रामदेव जी ने यू नो वर्चुअली सबको योगा यू नो वो लीड कर रहे थे सब फॉलो कर रहे थे एंड अगेन इट वाज सो ब्यूटीफुल तो इस साल व्हाट कैन पीपल एक्सपेक्ट ड्यूरिंग द इवेंट व्हेन दे अटेंड Yeah, it is a program full of fun and actions, you know. Mm-hmm. There will be yogis who would be showing their talents. Acro yoga is there. Wow. I mean, and then we're going to go through this full yoga protocols. Everybody will have a good yoga session consisting of warm up exercise, asanas, pranayam, relaxation, dhyan. And on top of yoga, you know, you'll have so many booths of good Indian vegetarian food. Very nice. All kind of stalls. We have a band, we have a music. So it's a great, great time, you know. I mean, outdoor great event. Absolutely. And I guess because of the COVID, we really haven't gone out. Mm-hmm. So this is the best time to celebrate and practice and learn yoga and become healthier and enjoy. Absolutely. और आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत time से everyone is at home. सो दिस इज़ द टाइम इट्स अ फैमिली इवेंट तो आप अपने सब आप जाएँ अपने बच्चों को लेके जाएँ आपके घर पे माँ बाप हैं उनको भी लेके जाएँ एंड ज़रूर अटेंड करिए दोनों दिन कोशिश करिए नहीं तो एक दिन तो अटेंड करिए 6 से 8 का वक्त है तो परफेक्ट टाइम है एंड शेखर जी पतंजलि योगपीठ इज़ वन ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा आप प्रेजिडेंट हैं ट्रस्टी हैं आप उसके बारे में हमें कुछ बताइए अबाउट पतंजलि वेलनेस सेंटर बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच जब मैंने इसके बारे में थोड़ा जाना तो मुझे बहुत ही मतलब खुशी हुई कि ऐसी भी चीज़ यू नो वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव इट हियर जी जी वंशिका जी आई मीन यू नो आवर योग ऋषि स्वामी रामदेव जी आवर फाउंडर आई मीन हिज स्लोगन इज गुड हेल्थ इज द बर्थ राइट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स जी एंड इट इज ट्रू Our first and foremost priority at any age should be our good health. When we have a good health, we can achieve rest of the things. So for that holistic approach, we look at health and wellness from the yoga, Ayurveda, and naturopathy. Mm-hmm. So in that regards, we are building here a Patanjali Wellness Center. And while we are in the design process right now, and then the construction would happen mm-hmm. right here in the middle of Houston at Beechnut and Highway 6 mm-hmm. on an 8 acres lot. We have already gotten our Ayurveda and naturopathy health and wellness specialist here.
मुरली रामानंदर एंड नवीन शर्मा. सो दे आर प्रोवाइडिंग देयर कंसल्टेशंस, रेकी, एक्यूपंक्चर, सम लिमिटेड यू नो थेरापेटिक योगा. दे आर हियर एंड वी वांना ब्रिंग दिस वंडरफुल साइंस ऑफ योगा, आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी टू ऑल अवर ह्यूस्टोनियंस एंड they are here for your to serve you. Wonderful. The Houston community, and they can go to our webpage patanjalicenter.org, or they can call them 281-456-3229, and they are open on Tuesday through Saturday 9 to 5, and they are ready to serve each and everyone. And they can also, people can do virtual consultation also in case they cannot come physically. Ji, thank you so much for sharing all that information. And zarur Patanjali Yogpeeth USA ko aap Facebook pe follow kariye. उधर से भी आप यू नो खुद फेसबुक लाइव योगा सेशंस शेखर जी खुद करते हैं, तो आप कर सकते हैं. PYP, our Facebook is that PYPT USA. So you please visit our website or go to our Facebook page and join us in our free yoga classes. Bilkul. And thank you for all that information, Shekhar ji. This is really great for our community, and congratulations for all the you know things that you're doing for the community. Aap itne saalon se karte aaye hain, and you know, congratulations for it. जाने से पहले आज आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे फॉर द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, समथिंग, एनीथिंग यू वांट टू से? या नो, आई वंशिका जी, एज आई सेड, दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर अस ऑल इंडियंस एंड ऑल ह्यूमन बीइंग्स, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस अ गुड हेल्थ व्हिच इज द बेस फॉर अस, एंड व्हाट बेटर सोर्स देन टू कम एंड सेलिब्रेट दिस इंटरनेशनल डे ऑफ योगा by attending these two functions, one at Buffalo Biopark and other one at India House. So it's a great venue, great timing, and come have fun, good food, good stalls, and good yoga and good entertainment. Absolutely. It's a complete absolutely complete family event. Aaiye and enjoy kariye. And Sunday is a father day too, you know. Yes. So whole family come, you know, and you celebrate your Father's Day with us, you know. Absolutely. 20 June ko hai. Thank you so much, Shekhar ji, for taking out time and talking to us today. I look forward to seeing you on these event dates and doing yoga this time for sure. Ji, Vanshika ji, thank you so much, and thank you for promoting this International Day of Yoga. Thank absolutely. You. Absolutely. Thank you. Have a good day. It was a pleasure speaking with you. Thank you. Namaste. Namaste. That was Mr. Shekhar Agarwal from Patanjali Yogpeeth, and उन्होंने हमें बताया अबाउट द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा. तो June 21st, mark your calendars. It is from 6 to 8 PM. For all the details, visit www.yogadayoftexas.org.